देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कितनी सुंदर होली के लिए माला लेकर आई हूँ, जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इस होली पर आप भी नेट का और ड्राई फ्रूट्स का यूज करके अपने बच्चों के लिए होली की माला बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए होली के लिए पहने जाने वाली बहुत ही अलग तरीके से माला लेकर आई हूँ, जो आप घर पर ही बना सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर माला बनकर तैयार होती है। मैंने अपने चैनल पर पहले से 3 से 4 तरीके की जो माला है अपने चैनल पर अपलोड की है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर होली के कलर्स बनाना भी आपको बताए हैं कि आप किस तरीके से नेचुरल होली के कलर घर पर बना सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो चलिए हम इस होली की माला को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब हम फ्रूट्स वगैरह पैकिंग करके लेकर आते हैं तो ये वही वाली नेट है और ये मेरे पास है किस कलर की, पूरी चुन्नी रखी हुई थी जो मेरे बिल्कुल भी यूज की नहीं थी, तो मैं इसी का यूज करूंगी। और यहां पर मैंने ये लिया है रिबिन, कैंची, सुई धागा, कुछ डेकोरेशन के लिए सामान है, गोटा पत्ती है, फ्लावर्स थे मेरे पास, और ग्लू गन, और ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता, किशमिश, चुहारे, काजू, टॉफीज, बादाम और ये साबुत अखरोट ये यूज किए हैं। अगर आपको कुछ और यूज करना है तो आप यहाँ पर वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने उस चुन्नी में से इतना चौड़ा, ये देखिए इतना चौड़ा कपड़ा काट लिया है। आपको जितनी चौड़ाई रखनी है आप उतना ले सकते हैं। और एक इस रेड नेट में से भी मैंने इस तरीके से कपड़े को काट लिया, इसमें मैं बाद में अपने अखरोट को लपेटूंगी। और इस रिबिन में से भी मैंने ये छोटे छोटे से रिबिन काट लिए हैं। और अब हम एक सुई धागा लेंगे और इसमें हमें सिलाई लगानी है। ये फ्रेंड्स, आपको जितनी लंबाई रखनी है आप उस हिसाब से इसकी जो नेट है वो ले सकते हैं, और आपको जितनी चौड़ाई इसकी रखनी है। और इसको अब हम सुई धागे से सिल लेंगे। आप चाहो तो इसको मशीन से भी सिल सकते हैं, पर मैं अभी इसको सुई धागे से ही सिल रही हूं। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से पक्का करना है। ये देखिए, ये बहुत आराम से और बहुत फटाफट हो जाता है। और ये माला बिल्कुल ही नए तरीके से है, आज तक आपने शायद इस तरीके से माला बिल्कुल भी नहीं मार्केट में देखी होगी। देखिए, अब हम इसको अच्छे से पक्का कर लेते हैं। अब मैं सारी जो नेट को इसी तरीके से सिल लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने जो पूरी नेट को अच्छे से सिल लिया है और इसको अब हम अपनी उंगलियों की मदद से इस तरीके से इसको हम पलट लेंगे, ताकि जो ये सिलाई वाला पोर्शन है ये अंदर चला जाए और हमें एक अब बहुत ही अच्छी नेट की एक पाइप मिल जाए। इसको अब मैं पलट लेती हूँ। आप इसको अपनी उंगलियों से इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत आराम से पलट जाएगी। पहले आप इसको सारी को इस तरीके से अपनी उंगलियों के बीच में इकट्ठा कीजिए। जब लास्ट वाला सिरा इसका आ जाए तो आप इसको इस तरीके से पलट दीजिए। ये देखिए, अब ये हमें बहुत ही अच्छी नेट की एक पाइप मिल गई है। और ये देखिए, अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में ऐसे कर लेते हैं और जो इसका ये सेंटर वाला पोर्शन है यहां पर हम एक धागा टाई कर देंगे, क्योंकि हमें इसको दोनों तरफ इक्वल पैटर्न करते हुए बनाना है। अच्छे से हम इसको पक्का कर देंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स इसमें हम फिल करें तो वो आपस में मिक्स ना हो। अब देखिए, हम इसका एक तरफ का पोर्शन लेंगे और इसमें अपनी पसंद के अनुसार कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों तरफ सेम पैटर्न बनाना है। अब हम इसका मुंह इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें सिलाई लगाएं तो वो अच्छे से आप पक्की लगाइएगा। और ये देखिए, इस तरीके से इसको आपको पकड़कर और यहां पर एक गांठ लगा देनी है। बहुत ही अच्छे से आपको इसको गांठ लगानी है, जिससे जो हमारी माला वो देखने में भी सुंदर लगेगी और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। और ये देखिए, इसको मैं अच्छे से पकड़कर इसमें एक गांठ लगा दूंगी। और अब मैं इसमें ये अपने बादाम फिल करूंगी। फ्रेंड्स, ये जो माला है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बस इसमें आपको जो चुन्नी जो सिलनी है नेट, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी ये माला आप फटाफट से तैयार कर लोगे। और अब हम इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स का सीक्वेंस बनाते हुए तो हम इसमें भरते जाएंगे और इसमें नोट मारते जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने यहां पर इसमें तीसरी बार में मैंने यहां पर पिस्ते भर दिए हैं और अब मैं इसके अंदर किशमिश डालूंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें लेकर डाल सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों तरफ सीक्वेंस सेम बनाना है।
अगर आपने पहले इसमें काजू डाले हैं तो आपको दूसरी तरफ भी पहले काजू ही डालने हैं, जिससे हमारी जो माला है वो देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। और ये देखिए अभी इसको भी मैं इसी तरीके से बांध दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ की ये माला पूरी हो गई है और मैंने ये सबसे ऊपर यहाँ पर चार छुहारे डाल दिए हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी इसको सेम पैटर्न फॉलो करते हुए भर लूंगी। ये देखिए मैंने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी माला को पूरा कर लिया है। ये देखिए हमारी बहुत ही सुंदर माला बनकर तैयार हो गई है। अब बस हमें इसमें फाइनल काम करना है। अब ये देखिए जो सारे एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम काट देंगे ताकि जो हमारी माला है वो देखने में सुंदर लगे, तो हम इन सबको काट देंगे। अब देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा रिबन थे वो सारा काट दिया है और मैंने ये रिबन लिया है और जो ये बचा हुआ पोर्शन था इसके ऊपर हम इसको अच्छे से बांध देंगे, क्योंकि हमें ये पहनने के लिए बनानी है तो इसलिए मैं इसमें अच्छे से गांठ लगाते हुए इसको हम बांध देंगे। आपको गांठ बहुत अच्छे से लगानी है और आप इसमें जब भी ड्राई फ्रूट्स फिल करें जो थोड़ा सा नेट का पोर्शन है आप वो छोड़ दीजिएगा, जिससे हमें धागा बांधने में आसानी हो। और अब हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब देखिए मैंने धागे को अच्छे से दोनों तरफ पक्का कर दिया है और जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसको हम काट देंगे, लेकिन आपको ध्यान से काटना है। अगर आप ज्यादा काट देंगे तो फिर हमारी गांठ खुल जाएगी, तो आप थोड़ा सा पोर्शन छोड़ते हुए उसके बाद काटिएगा। फ्रेंड्स, इस माला को बनाने में मैंने आपको बहुत ही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स दी हैं, तो आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो माला है वो भी बहुत ही सुंदर बनेगी। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। अब हमने जो ये रेड कलर की नेट ली थी इसके अंदर हम ये साबुत अखरोट रखेंगे और इस तरीके से इसको पकड़ते हुए इसमें एक गांठ मार देंगे। आप यहाँ पर किसी भी कलर की नेट का यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो नेट है वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत ही चीप रेट में मिल जाती है, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी इसको ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको गांठ मार दी है और अब मैं इसमें एक और लूंगी और इसको दूसरे को भी इसी के अंदर हम टाई कर देंगे। अब मैंने अखरोट को भी अच्छे से नेट के अंदर टाई कर लिया है। ये देखिए पहले मैंने एक पोर्शन एक अखरोट को लेकर उसमें गांठ मार दी, फिर दूसरे में मार दी। आपको बस ये ध्यान रखना कि आपको जब पहला अखरोट आप टाई करें तो आप उसको सेंटर में रखकर मत कीजिए, थोड़ा सा साइड में रखकर कीजिए। जो थोड़ा सा जो नेट लेंगे वो थोड़ी सी बड़ी लेनी है। अब जो हमारी माला का सेंटर है वहां पर हम इसको बांध देंगे। गांठ बस आपको बहुत अच्छे से पक्के करते हुए मारनी है। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पक्का कर दिया है और एक्स्ट्रा को मैं बाद में निकाल दूंगी। अब ये देखिए जो हमारी माला है लगभग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको टॉफीज से डेकोरेट करेंगे। अब ये देखिए मैंने इसको टॉफीज के साथ डेकोरेट कर दिया और मेरे पास जो ये जहां पर हमने ये गांठ लगाई थी गोटा पत्ती के फ्लावर थे, तो इस तरीके से गोटा पत्ती के फ्लावर भी मैंने ये ग्लूगन की सहायता से लगा दिए हैं। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये देखिए जो अखरोट लगाए थे उसके ऊपर भी मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं। आपके ऊपर है कि आप इसको और कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ग्लूगन लगाएं तो वो आपके ड्राई फ्रूट्स पे ना लगे। टॉफीज को तो हम रैपर खोल के खा लेंगे, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये होली की माला बनाने का आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज आपके लिए लेकर आती रहूं।